नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। आज का यह पर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ साथ हर्षोल्लास का विषय सभी के लिए है। आज के ही दिन हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। आज उत्कृष्ट दिशा मार्गदर्शन देने वाले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नंद किशोर बाबू जी का हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, करतल ध्वनियों से आप इनका स्वागत करवाना हमारे समाज के लिए। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री मदन कनौजिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं एक अनुभवी। सबसे पहले कि आप सभी को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई के साथ हम अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस को यहां आप सबके साथ झंडोत्तोलन के साथ मना रहे हैं। यह झंडारोहण आज कहाँ पर किया है आपने? आज झंडारोहण मुड़िया घाट में किया है। इस 15 अगस्त पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज 15 अगस्त की छुट्टी हमारी स्वतंत्रता का दिवस है और इस स्वतंत्रता के उपलक्ष में बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि समाज संगठित रहे, देश के प्रति लॉयल रहे, अपने हक हकूक के बारे में जानकारी दे करके उसे हासिल करने के लिए लगातार सतत संघर्ष करें। बस यही मेरा ठीक। आज यहाँ झंडारोहण किस जगह किया गया? आज जिला धोरी ग्राम बचाव समिति के तत्वाधान में यहाँ हमारी जो बुनियाद घाट पर स्थानीय कमेटी के माध्यम से 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करना चाहते हैं। निश्चित ही देश की स्वतंत्रता में विभिन्न समाज के विभिन्न लोगों की भागीदारी रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी भागीदारी रही है, जिसको सब उजागर नहीं किया गया, हमको बताया नहीं गया या इतिहास में कहीं हम नहीं दिखाई दिए। अगर हम थे समाज में तो समाज में कहीं ना कहीं देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे समाज की कहीं ना कहीं निश्चित भागीदारी मिली। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा सतत प्रयासरत और संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के राष्ट्र संत गाड़गे महाराज की एक युक्ति है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमें इस पर भी बहुत देना पड़ेगा अपने समाज के लोगों पर कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनको अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर के लड़ने का एक अपने अधिकार के लिए हमेशा सरकारों चाहे कोई भी सरकार हो उनसे अपने अधिकारों के लिए अपने हक के लिए ये लड़ाई हमेशा निरंतर जारी रहनी चाहिए। पुनः आज समाज के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई।